गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, अरे गाड़ी रोको भैया, मेरी बीवी बीमार है, गाड़ी रोको, अरे कोई है, कोई है, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या बात है भाई, क्या बेटा, क्या हो गया है, क्या हो गया? अबू अल्लाह खैर करे, किस बात का शोर पड़ गया? अब मैं गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चला रहे थे, तुमने मोटर में भी रिहाइश रखी हुई? अरे दबा हो। अबू मैंने बाल बनाए। बना लो बेटे, बना लो जितने मर्जी बना लो, मगर ये याद रखना कि मेहमान मेरे लिए आ रहे हैं। अबू आपके लिए कौन से मेहमान आ रहे हैं? यार तुम्हें नहीं पता, बड़े खास मेहमान आ रहे हैं। उन भी नहीं, वो मुंडा उठा रहा जिसको मैंने भेजा हुआ है, पता नहीं क्या बन गई है। असल में टेलीफोन भी आजकल मौसम की वजह से नहीं मिल रहे, एक रिश्ते नहीं मिल रहे, दूसरा फोन नहीं मिल रहे। अबू फोन मिले ना मिले, लेकिन रिश्ता जरूर मिलना चाहिए। अब तो मेरी शादी वाली उम्र गुजरने में सिर्फ 1.5 घंटा रह गया है। What do you mean? 2 साल मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसका मतलब मैं शादी वाली उम्र से रिटायर हो गया हूँ? यानी सिर्फ 2 साल बड़ा और फिक्र पड़ी हुई है। और ना मुरादो, बाप जो तुम लोगों से 19 साल बड़ा है और रंडवा बैठा हुआ है, उसकी कोई फिक्र नहीं। खुदा के लिए डैडी मेरा सोचे, मैं लेडीज काम कर करके हाउस वाइफ बन गया हूँ। लो लेडीज काम कर करके, वो पहले तुम कौन सा नेजाबाजी करते थे? देखा, सारे काम याद है इन बच्चों को, सिर्फ बाप का काम ही नहीं याद। सुबह का चीख रहा हूं कि एक कप चाय बना दो, मगर नहीं नहीं अब हजूर नहीं, सब बच्चे आपके नकारा हैं, सिर्फ ये बच्चा आपका खास है। मैंने कब से इसे कहा था कि अब्बा हजूर के लिए चाय बना दो, दो कुट मेरे हाथ से भी बना दो। नहीं तो तुम खुद क्यों नहीं बनाते, तुम पतीली में गिर जाते हो। अबू मैं तो कब का सोच रहा हूँ कि मैं आपके लिए और अपने लिए चाय बनाऊं। उठो मेरा पुत्र बनाओ। लेकिन क्या करूं, आप तेजपत्ती पीते हैं, मैं दूध पत्ती पीता हूँ। तेजपत्ती से मेरा रंग काला हो जाता है ना। तो बेटा दूध पत्ती से पहले कौन सा तुम गुलाबी रंग के हो गए हुए? एक मिनट हो, एक मिनट बोले कोई ना। अबू ने फोन टच रखा हुआ है, बच्चे सारे बटनों वाले। हेलो जी बेटे जी। ओ यार मैं इंतजार कर रहा हूँ घर बैठा हुआ। हाँ बस कुछ दोस्त आए हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं। तो कहाँ हो तुम? आओ तो ये पीले रंग वाला ही घर है हमारा, अंदर आओ। डैडी हम आपके दोस्त नहीं है, आपकी औलाद है। ओ बेटे मैंने औलाद को भी दोस्तों की तरह पाला हुआ है। चुप रहो बस। बेग साहेब। आओ ना जनाब, अंदर आओ। भट साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है? ओहो बारो आवाज तो बड़ी तगड़ी सी तड़ी। खुदा पहाड़ निकला चूहा। बड़ा दफा वो खाला महविश जी आए, आ जाए। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, इसे अपना ही घर समझे। बैठे बैठे तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। एक मिनट जरा उठे, तशरीफ रखे। एक मिनट आपा महविश जी जरा उठे, अभी बात नहीं हुई, तशरीफ रखे। वैसे मैं हैरान हूँ कि आप दूसरे के घर में मदाखलत भी आते ही शुरू कर बैठे हैं। एक मिनट उठे, तशरीफ रखे। अबू जी खैर सर, बाहरों बारिश आती। जरा उठना जी। मेरा दिल डोल गया था मान से, ये आपने डोली, मेरा दिल डोला। तशरीफ रखे जी। मेरा नाम महविश है। मुझे चौधरी हयात कहती हैं। आप महविश हयात बनना चाहती हैं? ओहो डैडी हमारा तारुफ कराए जी, मुझे बहलोल कहते हैं और मुझे अर्तगुल गाजी कहते हैं। बेटा ये तुर्की के किरदार है, युगंडा के किरदार नहीं। असल में बात ये है, अपना मैवी साहबा आपको इसलिए तकलीफ दी है, आपको हमने ज्यादा तकलीफ तो नहीं दी? नहीं तो देखे देखे, मुझे पता था मैं बुलाऊंगा तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। यार हद हो गई है, हर एक को अपनी अपनी पड़ी है, मेहमान आए हैं, कोई चाय पानी का बंदोबस्त करे। मैं करूंगा बंदोबस्त, जाओ दोस्तों दौड़ के चाय पानी लेके आओ। पहले आपके लिए कभी बनी है?
छोड़ें चाय भाई को, ये बताइए कि रिश्ता किसका करना है? मेरा 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 पुत्र, वो रिश्ते कराती है, लंगर नहीं बांटती। ठहर जाओ, बात ये है असल में ना जी, छोटे छोटे थे ये बच्चे जब इनकी वालदा रुखसत हो गई। अब यकीन माने कि माँ बड़ा परेशान हुआ जब आसिया की डेथ हुई है, और मैं उस वक्त बिल्कुल अल्लड़ जुआन था। अब तो सिर्फ जुआन हूँ ना, उस वक्त मैं अल्लड़ जुआन था। छोटे छोटे बच्चे मैंने खुद पाले हैं, और आप देखे कि कितनी मेहनत की है, वो परला पला हुआ देखे यारा। माँ खुद जिंदा होती तो उससे इतना पलना था भला। मैंने पाला इसे। अब मैं चाहता हूँ कि अपना बच्चों के भी रिश्ते हो जाएं। जी जी। तो बच्चों के रिश्ते कराने के लिए जो मैंने बचत सोची है, वो ये सोची है कि पहले मेरा रिश्ता हो जाए। इतना लंबा हाँ ना करो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर ये तुम लोगों के पहले रिश्ते कराएंगी तो बारी बारी सबका यही बेचारी ढूंढती फिरेगी। मैं कहता हूँ कि एक ही दफा इनको फीस दे के पहले मेरा हो जाए, फिर कर्माली जब घर आ जाए वालदा तुम्हारी, फिर वो मुफ्त में आप सबका रिश्ता ढूंढते। वैसे माफ कीजिएगा, मैं बहुत देर से आप लोगों की ये गुफ्तगू सुन रहा हूँ। मैं इस उम्र में भी आपको अपनी पड़ी भी है, आखिर किस नस्ल के बाप है आप? मैं कजला हूँ जी, कजला। ये जो कजला नस्ल होती है ना जी, ये छिग्गा भी हो जाए तो ये कुर्बानी के लायक होता है। जाने दीजिए इन बातों को, आप अपने बच्चों का सोचें, आप अपना जाती मफाद सोच रहे हैं सिर्फ। आप बहुएं लाएं, तीन बहुएं आपके घर में आएंगी, वो आपके बेटों की भी खिदमत करेंगी, आपकी भी खिदमत करेंगी। आप हैं कि अपना जाती फायदा सोचे जा रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या ज़ेन पाया आपने। डैडी, आप हमारे दोनों छोटे भाइयों की फिक्र करें, हम दोनों के तो इनकी तरफ से रिश्ते मिल जाएंगे। ओ भाई, मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, और माफ कीजिएगा, मैं भी इस तरह का रिस्क नहीं ले सकती। रिस्क क्या, मैं कौन सा शादी वाले दिन पार जाऊंगा। ये जितनी देर बहस कर रहे हैं, आप कोई डिसीजन ही ले ले। मैं कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी। रिव्यू दोबारा, एक दफा फिर। वैसे माफ कीजिएगा, अगर आपको पता चल जाए ना मैंने किस तरह खजल खराब होके इन बच्चों को पाला है, तो आप कहें कि सबसे पहले इनाम के तौर पे चौधरी हयात बेग की शादी होनी। ओहो, पता नहीं डैडी आपने क्या पाला है हमें, बच्चों ने पैंपर ही बदल दे रहे हो, फेशियल तो करवाए नहीं साढ़े। और हमें फेशियल नू अपना निक्का भरा तोल के देख ले, और जाके देख सारे महल्ले च अगर किसी ने इना पा लिया बच्चा तो आके मैनू कहीं। लो लो, तो इसमें आपका क्या कमाल है, लोगों के माँ प्यो आप गिले दे पेंदे ने, बच्चों सुके दे पाते ने, तुसी साढ़े भरा नू गिले दे पाया, चुके ही नहीं, वो फुल के पल गया। क्या पाले है डैडी, बच्चों को आपने क्या पाले है? मलका दे मुंडे मेरे जिंदे अड्डी वाले बूट पाई फिर दे। पाला पाला पाला, इतनी उम्र हो गई है, आज तक डबल टिकी वाला बर्गर नहीं खाया आपने। मनुसो, रोना पिटना ना पाओ घर च, अगे लाड़े दी उम्र एहो जी है, कोई नवा चान ना चाल लेना। आप दफा करें जी इनको, ये मुझे डराना शुरू हो गए हैं। हम बाद में तय कर लेंगे। पहले आप ये बताएं कि इन मेरे दोस्तों के लिए कौन कौन सा रिश्ता है आपके पास? हाँ, मेरे पास एक लड़की का रिश्ता है, डॉक्टर है, स्किन स्पेशलिस्ट है। ओके, मेरी तरफ से हाँ कर दें, पक्की बात हो गई, और वो लड़की को बोल दें कि आपको घर में ही बहुत काम मिल जाएगा। शाबाश बेटा, वो बता रहे हैं बच्ची स्किन स्पेशलिस्ट है, वो कोई लेदर की कारीगर नहीं है। कोई और लड़की है जी? हाँ जी, एक और लड़की है, इंग्लैंड में होती है, उनका अपना स्टोर है। ओ, मेरी तरफ से डन करें। मुझे भी बहुत शौक था कि मैं इंग्लैंड जाके स्टोर खोलूं, अगर मुझे खुला खुलाया स्टोर मिल जाएगा तो फिर मुझे और क्या चाहिए। ओ भाई, अकल नु हाथ मार, खुला खुलाया स्टोर, सस्ती शतरंज च तेरे अर्गी तोप हुंदी है। बस बस, अब मुझे ये बात समझ आई है कि ये घर में ही बैठे उम्र रसीदा क्यों हो रहे हैं, इनकी ख्वाहिशात ही बहुत ऊंची हैं। और नहीं जी नहीं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी लड़की दो कपड़ों में आए
और मेरा घर बसा दे। ओहो अब्बा जी मैं मंजी ते अपना जूस वाला डब्बा रखिया सी ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿਧਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਮੇ ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਕਹਾ ਹੈ ਜੂਸ ਪੀਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੂਸ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਿਵਿਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਸੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋ ਪੇਟ ਘਰੋੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ। ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਘਰੋੜੀ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਆਂਟੀ ਆਪ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਢੂੰਢੇ। ਓ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, कोई बात नहीं, इंटीरियर डिजाइनर भी मिल जाएगी। ओ बीबी, खुदा के लिए इनकी हैसियत के मुताबिक इन्हें रिश्ते बताइए। हाँ। इन्हें सब्ज बाग ना दिखाइए। हाँ जी जी, इनकी हैसियत के मुताबिक भी है रिश्ता, लेकिन उन्हें लड़का घर दामाद चाहिए। अच्छा जी। हाँ। लो बेटा कुंडी ला लो। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।